जून को योगी सरकार अपनी तीसरी ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी करने जा रही है। लखनऊ का इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान सजाया जा रहा है। बैनर पोस्टर में $1 ट्रिलियन इकोनॉमी का जिक्र है, साथ ही प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तस्वीरें भी हैं। 3 जून को योगी सरकार की 3.0 ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में होगी। इसी जुपिटर हॉल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौजूद होंगे। और देखिए, तस्वीरें लगी हैं योगी आदित्यनाथ की। इन्वेस्ट यूपी, उत्तर प्रदेश सरकार का बाकायदा लोगो लगा हुआ। और सबसे बड़ी बात जो आपको बताएं, जो बार बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्य कहते हैं कि 5 ट्रिलियन इकोनॉमी में से 1 ट्रिलियन इकोनॉमी उत्तर प्रदेश देगा, तो देखिए यहाँ टूवर्ड्स फर्स्ट 1 ट्रिलियन इकोनॉमी का जिक्र किया गया, यानी उत्तर प्रदेश देश के विकास में 1 ट्रिलियन इकोनॉमी का योगदान देने वाला है 3.0। ये देखिए ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी का बकायदा 3 जून 2022 बना हुआ। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चूंकि इस कार्यक्रम का शुभारंभ करेंगे, उद्घाटन करेंगे, 2000 करोड़ की एक तरीके से कहा जाए 2000 परियोजनाएं और 75,000 करोड़ की लागत वाली भूमि परियोजनाओं का भूमि पूजन करेंगे, डिजिटली भूमि पूजन करेंगे। और देखिए कम एक्सपोलर इन्वेस्ट इन यूपी, तो अलग अलग अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे, अलग अलग तस्वीरें, मेट्रो की तस्वीरें, योगी आदित्यनाथ की तस्वीरें, सब कुछ यहां पर दिखाया गया। यानी 3 जून का इंतजार है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आएंगे और इन्वेस्टर समिट का उद्घाटन करेंगे, 75,000 करोड़ की 2000 परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे। जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड की टीम ने भव्य सेरेमनी की दिव्य तैयारियों का जायजा लिया। इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी की तैयारियां शुरू हो गई है। कोविड डेस्क बनाया गया, बाकायदा यहां लोग अपना रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं और जो यहां स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी हैं उनको उनका रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं। बाकायदा तैयारियां शुरू कर दी गई है जिससे किसी प्रकार की कोई समस्या ना हो, चूंकि कार्यक्रम में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी होंगे, लिहाजा किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो तो कोविड हेल्प डेस्क बनाया गया। उसके अलावा अगर आप देखें तो यहाँ अधिकारी कक्ष बनाया गया है, जो लोग हैं वो यहाँ पर काम करते हुए आपको दिखाई देंगे। और यह ये रूम देखिए, यहाँ पर लगातार जो कार्य किया जा रहा है, मॉनिटर किया जा रहा है, ये कक्ष आप देख सकते हैं कि सभी लोग यहाँ पर लगातार वर्क कर रहे हैं, क्योंकि अब वक्त ज़्यादा नहीं बचा है, 48 घंटे का वक्त बचा हुआ है। जुपिटर हॉल में उत्तर प्रदेश के विकास के इतिहास का एक और अध्याय लिखा जाएगा, जहां 3 जून को प्रधानमंत्री देश और दुनिया भर के उद्योगपतियों से मुखातिब होंगे। जिस जुपिटर हॉल में इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में हम खड़े हैं, यहीं प्रधानमंत्री आएंगे और बाकायदा संबोधन करेंगे। उत्तर प्रदेश के इतिहास का ये बड़ा दिन होगा, क्योंकि बड़ी बड़ी योजनाएं, बड़ी बड़ी परियोजनाएं, निवेश और निवेशक, सब कुछ यहाँ आपको देखने को मिलेगा। तो जो LED है वो देखिए आप लग रही है, जो सिटिंग प्लान है ऊपर देखिए 3.0 न्यू उत्तर प्रदेश न्यू इंडिया का बकायदा जो स्लोगन है वो लगाया गया है। जो पट्टियां हैं ऊपर भी लोग बैठे होंगे, नीचे भी लोग बैठे होंगे। और प्रधान यूपी में निवेश के माहौल को लेकर मंत्री नंदी का कहना है कि योगी जी के सुशासन, सुरक्षा और सिंगल विंडो सिस्टम की पहल के बाद अब उत्तर प्रदेश बदल चुका है। यह तीसरी ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी होने जा रही है। लगभग 80,000 करोड़ से अधिक की परियोजनाएं की ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी है। माननीय प्रधानमंत्री जी की गरिमामय उपस्थिति में, माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में, जिस तरह से हमने इन्वेस्टरों का भरोसा जीता है, अगर हम आज बात करें तो पूरी दुनिया में भारत सबसे अच्छा डेस्टिनेशन है इंडस्ट्री के लिए, निवेश के लिए, और भारत में उत्तर प्रदेश सबसे अच्छा डेस्टिनेशन है। आंकड़ों की बात करें तो सबसे ज्यादा पश्चिमांचल में, दूसरे नंबर पर पूर्वांचल, तीसरे नंबर पर मध्यांचल और चौथे नंबर पर बुंदेलखंड में प्रोजेक्ट लगाए जा रहे हैं। इससे उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था मजबूत होगी और प्रति व्यक्ति आय बढ़ाने में भी मदद मिलेगी। लखनऊ से अजीत सिंह, जी मीडिया।